आपने शुरू में पूछा था ना सडन इन्फेंट डेथ्स, तो हम इस वजह से हम बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं. बच्चे को अपने बिस्तर में लेटना चाहिए, ठीक है, गर्म कपड़े पहनना चाहिए ताकि वो आराम से ज्यादा कुछ लेटाने में भी गर्म कपड़े नहीं मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको देखना कि बच्चा को ठंड नहीं मिल रहा चाहिए, ठीक है, उसको घिसक जाकर बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप करती है ना तो ये जो हिप्स होती है ना डिसलोकेट हो जाती है, यहाँ पर बहुत होती है, ठीक है. अच्छा, और ये जो सर बिठाना होता है ना, हाँ, जो आपकी जेनेटिक्स है ऐसी ही बनेगी, मगर जब आप ये करते, मैंने देखा है, हाँ, जब मैं कम्युनिटी में जाती हूँ भी, ठीक है, मैं तो निकाल कर फेंक देती हूँ. अच्छा, ये सारे जो तकिए, हाँ, मेटल की जो बर्तन की, हाँ, जो ढक्कन है ना वो, हाँ, लाते डालते हैं, मैं तो उठाकर फेंक देती हूँ. अच्छा, जब आप ये करते हैं ना तो आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ, मगर हो सकता 10 दूसरे बच्चे को सर में गड्ढा लगा हुआ है, इन्फेक्शन दिमाग तक चला गया है, तो इसलिए मना होती है, जख्म होती है. अगर आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो कभी बार सही से सांस नहीं मिलता है, ठीक है. अच्छा, तो ये सडन इन्फेंट डेथ होती है. और कभी कभार आपने इसको दूध पिलाया, डकार की आवाज आपको नहीं आई, मदर फ्रीक के डकार की गुड़ गुड़ करके आवाज नहीं आती, वो चोक कर सकता है. बिल्कुल, बच्चा अगर सीधा लेटा है और वो चोक करेगा तो वो उसकी सांस की नाली में जा सकता है, गड़बड़ की वजह से वो दूध बाहर गिरेगा. बच्चे को हर वक्त पीठ पर लेटाना चाहिए, साइड पर नहीं, पीठ ऑन द बैक, साइड पर नहीं और पेट पर नहीं सोने के वक्त, क्योंकि अगर आप साइड पर लिटाएंगे या पेट पर लिटाएंगे, बच्चा जो है आपने खुद ही देखा है इसकी जो गर्दन है वो ज्यादा ताकत पर नहीं है, ठीक है, तो अगर आप साइड पर लिटा रहे हैं या पेट पर लिटा रहे हैं तो अंदर सांस बंद हो जाती है, सफोकेट हो जाता है. अच्छा, इसलिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और यूरोप में भी, पीडियाट्रिक्स इन यूरोप, ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने डेवलप किया है ताकि बच्चे की रिस्क जो होती है ना मरने, हाँ, से, हाँ, वो कम हो जाता है. और ये रिस्क होती है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में. अच्छा.